और 19 के बाद एक कार्यक्रम झांसी की धरती पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास के एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर राष्ट्र हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहाँ पे कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके दो नोड है, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी चार प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहाँ पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर प्लान होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हम तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर उद्घाटन भी किया था। इसके साथ ही बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर